सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। अब यूपी में पांचवें चरण में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद छठे और सातवें चरण का नामांकन ही बाकी रह जाएगा। पांचवें चरण की जिन सीटों पर नामांकन शुरू हुआ है, अब उन सीटों पर सियासी जंग भी तेज हो गई है। इस चरण का नामांकन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस पांचवें चरण में यूपी की धर्मनगरी कहलाने वाली रामनगरी यानी कि अयोध्या और संगम नगरी प्रयागराज समेत 58 सीटों पर नामांकन होना है। और इन नामांकन में क्या कुछ खास होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो इस वक्त सभी पार्टी के धुरंधर पश्चिम यूपी पर फतह हासिल करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे चरण नामांकन की प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। उसी के साथ पांचवें चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसमें अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी तक प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 9 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 11 फरवरी रखी गई है। और इस चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। बता दें कि पांचवें चरण के साथ ही प्रदेश में चुनावी रथ अब धीरे धीरे पूर्वांचल के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। अब सिर्फ 2 चरणों के छठे व सातवें चरण की नामांकन प्रक्रिया बची है। पांचवें चरण की इन 60 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया के साथ ही इन 11 जिलों में भी सियासी सरगर्मी और बढ़ जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पांचवें चरण में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती में वोट डाले जाएंगे। हालांकि इस चरण के लिए अभी कई दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, फिर भी सभी प्रमुख दलों में संभावित प्रत्याशी अपने अपने तरीके से टिकट प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में राज्य के पश्चिमी जिलों में मतदान होना है और वहां पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। वेस्ट यूपी में पहले और दूसरे चरण मतदान होना है और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में इन 60 सीटों में भाजपा ने 50, सपा ने 5 तो कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, तो वही अपना दल S2 और निर्दलीय पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी और बसपा 1 भी सीट यहां से नहीं जीत पाई थी। खैर, देखने वाली बात ये होगी पश्चिम यूपी से इस बार कौन सी पार्टी की जीत का परचम लहराएगी और कौन सी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। यूं तो यूपी का हर जिला अहम है इस 2022 के चुनाव में, लेकिन जहां बात हो रामनगरी अयोध्या और संगम नगरी प्रयागराज की, तो ये चुनाव काफी अहम हो जाता है। वैसे तो पूरब और पश्चिम दोनों की राजनीति काफी खास देखने को मिल रही है, और अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो सपा और भाजपा में देखने को मिल रही है। दोनों ही के जो नेता है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब इसके परिणाम आने वाले समय में पता चलेंगे। फिलहाल देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।